एक छोटा सा गरीब देश देखते ही देखते विश्व में भूभाग की दृष्टि से तीसरा और आर्थिक ताकत में विश्व का पहला देश कैसे बन गया। वर्ष 1200 के आसपास चीन का भूभाग आज का आधा करीब 5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर था या स्क्वायर किलोमीटर था। विश्व में इसकी सहभागिता महज 1.8% थी, जो देखते ही देखते क्षेत्रफल 2 गुना तथा उसकी सहभागिता 18.6% हो गई। आखिर किन नीतियों के बलबूते इतनी बड़ी शक्ति बन बैठा चीन, जिसे अमेरिका के साथ साथ संपूर्ण सीमावर्ती देश चिंता में पड़ गए हैं। विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसकी सीमाएं 14 देशों की सीमाओं तक जा पहुंची। ऐसे ही बहुत से सवाल जो आप ढूंढ रहे हैं पर जवाब नहीं मिलता है, इन सभी मुद्दों पर हम चीन के विस्तारवादी नीति और उसके ग्लोबलाइजेशन की जो नीतियां हैं वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। इनसे तिब्बत तक एक रास्ता बनाएंगे, रास्ते जोड़ेंगे, आपको उन्नति होंगे, तिब्बती लोगों को फायदा होंगे। तिब्बती लोग सोचने लगे हमारा खुद रास्ता बना रहा है, हमारे लिए फायदा उन्नति होंगे, फिर वो सोना भी दे रहा है। जब रास्ता बना लिया उसके बाद सैनिक लोग को बंदूक निकाला और बंदूक चलाना शुरू कर दिया। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी हिट कर लें, जिससे कि नए वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और ऐसे किसी भी सामाजिक मुद्दे और आर्थिक मुद्दे से आप वंचित न रह जाएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दें। आपको इतिहास के उन पन्नों में ले चलते हैं जहाँ से चीन का शासन और चीन का विस्तारवादी नीतियों का प्रारंभ हुआ। सन 1368 से 1644 तक चीन के शासक मिंग का राजवंश कंबोडिया तक फैला हुआ था। इस आधार पर दक्षिण चीन सागर के कुछ तटीय द्वीपों पर ब्रुनेई का अधिकार रहा है। उससे अपने कब्जे में लेने से चीन बाज नहीं आया, महज इस बात से क्योंकि मिंग का शासन कंबोडिया तक फैला हुआ है। शुरुआत यहीं से होती है चीन की सीमावर्ती विस्तार नीति। देखते ही देखते चीन ने भूटान के बहुत से क्षेत्रों पर, सीमावर्ती क्षेत्रों पर कब्जा किया और उसके पश्चात इंटरनेशनल बॉर्डर पर बंकर बनाए। बंकर बनाने के बाद उनका क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया और धीरे धीरे देखते ही देखते भूटान के बहुत से क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमा लिया, जो कि आज चीन का हिस्सा। चीन का दावा है कि 19वीं सदी के किर्गिस्तान के एक बड़े भूभाग को जीता था। महज इस दावे के आधार पर चीन आज भी अपना दावा किर्गिस्तान पर दिखाता है। महज इस बात के लिए किर्गिस्तान पर लगातार दबाव बढ़ाते हुए उसके साथ एक समझौता किया, जो समझौता चीन के पक्ष में था। उस समझौते के अंतर्गत बहुत से बड़े भूभाग को अपने अंदर में ले लिया और अपने कब्जे में ले लिया। चीन की विस्तारवादी नीति यहीं थमती नहीं है। 1788 से 1792 चीन नेपाल विवाद के सामने रख कहता है कि नेपाल तिब्बत का हिस्सा है। इस हिसाब से नेपाल चीन का हिस्सा हुआ। वर्ष 1959 की वो घटना जो आज काफी सुर्खियों में है, तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति की बात माने तो उनका मानना है कि चीन के सैनिक शुरुआती दौर में तिब्बत से चीन तक रास्ता बना तिब्बत को आर्थिक लाभ का झांसा दिया, जिसके पश्चात रोड और हाईवे चीन से तिब्बत तक बना लिया। सन 1959 में सैनिकों के बलबूते पर चीन सैनिक तिब्बत में घुस आए और वहां लामाओं, धर्मगुरुओं, भिक्षुओं की हत्या कर बौद्ध मठों को तोड़ा और लिथियम जैसे मिनरल और हाइड्रोलिक पावर का भरपूर दोहन करने से चीन बाज नहीं आता। लोग सोचने लगे हमारा खुद रास्ता बना रहा है, हमारे लिए फायदा उन्नति होगी, फिर वो सोना भी दे रहा है। जब रास्ता बना लिया उसके बाद सैनिक लोग को बंदूक निकाला और बंदूक चलाना शुरू कर दिया और रास्ता से उनका टैंक्स आया और ट्रक्स आया, सारे देश को कब्जा कर दिया। ऐसे धोखा दिया हुआ है। अब आप समझ ही गए होंगे कि चीन हर बार इन्हीं नीतियों के बलबूते पर अपने सीमावर्ती क्षेत्र का विस्तार किए जा रहा है। हर बात में चीन का साथ पाकिस्तान देता आ रहा है, परंतु आंतरिक नीति तो उसे इस भय का हमेशा एहसास कराती है कि उभर कर सामने आ रहा इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन अपनी मंसूबों में कामयाब हुआ तो पाकिस्तान का एक बड़ा भूभाग हड़प लेगा। वैसे भी कुछ हिस्सा तो अब भी चीन के कब्जे में है और चीन की जो सैन्य क्षमता और शक्ति है उसके
सामने पाकिस्तान का महज कुछ घंटों की ही सैन्य क्षमता और आर्थिक ताकत है। बात यहीं थमती नहीं है, अपितु रूस जैसे शक्तिशाली देश के 160,000 वर्ग किलोमीटर सीमा पर चीन अपनी दावेदारी दिखाता है। फिलहाल दोनों देश समझौतों के बीच ठहरे हुए हैं, परंतु चीन अपनी बात रखने से बाज नहीं आता। उसका मानना है कि ताइवान गणराज्य उसका हिस्सा है, हालांकि ताइवान इसका जोरदार विरोध करता है। सिंगापुर के साथ चीन विवाद दक्षिण चीन सागर को लेकर है, चीन सागर पर अपना अधिकार जताता है और सिंगापुर के मछुआरों को मछली मारने से भी रोकता है। महज ये कुछ ही देश नहीं अपितु दुनिया में चीन के पड़ोसी देशों का अपना आधिपत्य की चर्चा हमेशा बनी रहती है, इससे भारत भी कहीं अछूता नहीं है। वर्ष 1962 में चीन सैनिकों ने भारत पर आक्रमण कर भारत का करीब 1000 हेक्टेयर जमीन कब्जे में ले लिया था तथा एक पक्षीय युद्ध विराम कर दिया। यह घाव अभी भरे भी न थे कि गलवान घाटी पर अपना रुख दिखाना प्रारंभ कर दिया और तृतीय विश्व युद्ध जैसे स्थिति हालात उत्पन्न कर दिया। अब तक तो आप को महज सीमा विस्तार की नीति को ही समझा पाए हैं, अब उसकी दूसरी स्ट्रेटेजी ने विश्व को चिंता में डाल दिया है। शुरुआती दौर में चीन एक बहुत ही गरीब देश था, जहां जो कि गरीबी रेखा से वहां पर करीब 50% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। महज कुछ ही सालों में, करीब 42 सालों में ही चीन ने अपने देश से गरीबी को लगभग समाप्त कर दिया है। केवल 2% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। देखते ही देखते शुरुआती दौर में 1.8% विश्व में हिस्सेदारी थी, जो देखते ही देखते 18.2% हिस्सेदारी के साथ उभर कर सामने आ रहा है। यह इसका ग्लोबलाइजेशन और प्रोडक्शन पावर के ऊपर निर्भर करता है। आखिर वो क्या नीतियाँ हैं, इकोनॉमिक पावर कैसे बना, इसको भी हम इस वीडियो में जानते हैं। चीन के पास कोई प्राकृतिक रिसोर्सेज नहीं है, बावजूद इसके चीन अपनी नीतियों के बलबूते पर आज विश्व का सबसे अमीर देश बन गया है। इसका श्रेय माओ त्से तुंग को जाता है, जिन्होंने इसकी नींव डाली और देखते ही देखते डोंग क्सियाओपिंग ने 1978 में इसे गद्दी प्रदान कर दी, जो आज शी जिनपिंग द्वारा भी ये काम किया जा रहा है। आखिर वो नीतियाँ क्या थी? माओ त्से तुंग ने सबसे पहले कृषि क्षेत्र में अपना योगदान दिया, हालांकि कृषि क्षेत्र में जो अपना योगदान दिया था शुरुआती दौर में वह उल्टा पड़ गया और वहां पर सूखा जैसे और बाढ़ग्रस्त जैसे हालात उत्पन्न हो गए। बावजूद इसके डोंग क्सियाओपिंग ने उनकी बातों को समझा और आगे चलकर उसमें भी इजाफा किया, जिसका नतीजा ये रहा कि आज वह उत्पादन भी अच्छा खासा कर लेता है खाद्यान्न उत्पादन। शुरुआती दौर में जो गरीबी 40-45% थी, आज वो केवल 2% रह गई है। इससे पता चलता है कि जो शुरुआत में दो नेताओं ने काम किया, माओ त्से तुंग और डोंग क्सियाओपिंग ने, वो काफ़ी सराहनीय था। देखते ही देखते शी जिनपिंग तीसरे नेता आए कम्युनिस्ट पार्टी के, जिन्होंने यह निश्चय लिया कि अब चीन को मैन्युफैक्चरिंग हब यानी उत्पादन का केंद्र बनाना है और उसी में लग गए। अब वह इतने सस्ते प्रोडक्ट और इतनी प्रोफिशिएंसी के साथ बनाया कि आज दुनिया उसकी लोहा मान गई और देखते ही देखते चाइना दुनिया का नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, जहां पर सबसे सस्ते प्रोडक्ट, सबसे सस्ते मोबाइल फ़ोन, सबसे सस्ते इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सबसे सस्ते कुछ भी अगर लेना हो तो लोग सोचते हैं कि चाइना का ले लो, क्योंकि वो सस्ता है और अच्छा है। इसका श्रेय शी जिनपिंग को जाता है, उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि हमारा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, बनाने में कम से कम समय लगे, जिससे कि उसका मूल्य कम हो जाएगा। मूल्य अगर कम हो गया तो उसको कोई भी आसानी से खरीद सकता है, गरीब से गरीब वर्ग। इसी उत्पादन नीति का शी जिनपिंग पुरजोर सपोर्ट करते हैं। शुरुआती दौर में चीन में जनसंख्या काफ़ी अधिक थी और गरीबी काफ़ी ज़्यादा थी। इसको देखते हुए माओ त्से तुंग व डोंग क्सियाओपिंग ने पुत्र पैदा करने यानी संतान उत्पत्ति का भी निर्धारण कर दिया, जिसमें शुरुआती दौर में केवल एक संतान उत्पन्न किया जा सकता था, परंतु बाद में इसको बढ़ाकर दो कर दिया गया।
आज भी वहाँ नीति यही है कि आप दो से ज़्यादा नहीं कर सकते, ऐसा करने पर नागरिकता छीन ली जाती थी। यही कुछ ऐसे तथ्य है और कुछ ऐसे तरीके थे जिनके माध्यम से कड़े तो हैं रूल, इन्हीं नियमों के चलते आज चीन दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया है, चाहे वो इकोनॉमी में हो या फिर आर्थिक हो या फिर राजनीतिक हो या सैन्य क्षमता हो या फिर भूभाग का विस्तार हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें।